पृथ्वी पर कई अलग अलग तरह के जीव है जो भूमि, पेड़, समुद्र और महासागर में रहते हैं। इनमें से बहुत से जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल साधारण दिखते हैं, वही कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के बाद लगता है जैसे वह किसी और दुनिया से आए, जिन्हें साधारण जीव कहने की बजाय एलियन कहना बेहतर होगा। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी भी मायने में एलियन से कम नहीं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। टंग ईटिंग लीजर एक परजीवी है जो पैसिफिक सागर और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्र की 200 से 600 फीट की गहराई में पाया जाता है। यह परजीवी मछली के अंदर इनके गिल्स के माध्यम से मुंह में प्रवेश करता है और खून पीने लगता है, जिसके कारण जीभ में खून की कमी हो जाती है और जीभ सूख कर कट जाती है। अब यह परजीवी खुद को बाकी बची हुई जीभ के साथ जोड़ लेता है। अभी तक 40 से अधिक प्रजातियां वाली मछलियां इनका शिकार भी हो चुकी है। नंबर 2, सरकास्टिक फ्रिंगहेड। यह मछली मेक्सिको के उत्तर पश्चिम तट से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक पाई जाती है। पिशाच जैसे दिखने वाली विशालकाय मुख्य कारण इनका नाम सरकास्टिक फ्रिंगहेड पड़ा। बिना किसी उद्देश्य के घूमने वाली अधिकतर मछलियों के विपरीत यह मछली एक लंबे समय तक खुद को छिपाने के लिए जगह खोजती है और वही रहती है। यह अक्सर चट्टान की दरार और इंसान द्वारा फेंके गए कचरे को अपना घर मानती है। ये मछलियाँ क्रूर और निडर होती है क्योंकि यह किसी पर भी हमला कर देती है, और इस जीव का विशाल मुंह और चौड़े जबड़े किसी को भी डराने के लिए काफी है, जो किसी हॉरर फिल्म में दिखाई जाने वाली एलियन जीव की तरह है। नंबर 3, जेवल वॉस्प। साउथ एशिया, अफ्रीका और आयरलैंड में पाए जाने वाला जेवल वॉस्प अपने असामान्य प्रजनन व्यवहार के लिए माना जाता है। फीमेल वॉस्प अपने जीवन और महत्वपूर्ण भोजन के लिए जीवित तिल चट्टे पर निर्भर करती है। दरअसल अपने से आकार में बड़े तिल चट्टे को काबू करने के लिए पहले जेवल वॉस्प इसकी अगली टांगों और फिर इसके मस्तिष्क में एक जहरीला रसायन मिश्रित इंजेक्ट करती है। ये रासायनिक मिश्रण इतनी संतुलित मात्रा में तिल चट्टे के मस्तिष्क में डाला जाता है कि वह इससे मरता नहीं बल्कि पैरालाइज हो जाता है, और वॉस्प तिल चट्टे के शरीर में लकवा डाल देती है। लार्वा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तिल चट्टा धीमी धीमी मौत मरता है। नंबर 4, द गेन रेड लीच। ये मलेशिया के माउंट किनाबुल पर पाया जाता है। ये अपने शिकार का इसके द्वारा छोड़े गए निशान और इसकी गंध से पीछा करता है। रेड लीच केवल अर्थवॉर्म यानी कि केचुए को ही अपना शिकार बनाता है। केचुए द्वारा छोड़े गए निशान और इसकी गंध से यह इसके करीब पहुंचता है। एक बार अपने शिकार को करीब पहुंचते ही यह अपने गले और चिपचिपे मुंह से पूंछ की तरह से इसे निगलना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। आमतौर पर भारी बारिश के दौरान या इसके बाद ये अक्सर दिखाई देते हैं। नंबर 5, सैंड स्ट्राइकर। सैंड स्ट्राइकर एलियन की तरह दिखने वाले बेहद असामान्य जीव है, जिसे वॉबिट वर्म भी कहा जाता है। अजीब से दिखने वाले इस जीव की आंखें और मस्तिष्क दोनों ही नहीं होते। वॉबिट वर्म समुद्र की सतह के नीचे अपने लंबे शरीर को छुपाता है और अपने सिर को जमीन की सतह पर रखता है। ये अपने सेंसर से शिकार की पहचान कर इस पर बिजली की तेजी के साथ हमला कर देता है, और पलक झपकते ही इसे जमीन की गहराई में खींच लेता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ असामान्य जीव। आपको इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा।